बहुत ठीक है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कुछ कमियां थी जिनका उन्होंने जिक्र किया और हम उसको भी दूर करेंगे। सर, गुलाम नबी आजाद का पार्टी से निकलना आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को झटका लगा? देखिए, वैसे वो उनका कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, आज आपके सामने यहां कहता हूं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। तो जब डूबता हुआ जहाज होता है तो बहुत से उसके जो अंदर सवार होते हैं वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने खूब सुधारने की कोशिश की, अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि कई बार उन्होंने रिपोर्टें दी, वो ठंडे बस्ते में रही, पत्र में साफ साफ लिखा है ना उन्होंने, आपके सामने देखिए वो आगे। मैं खाली इन्होंने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दे रहा हूँ। सर, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, 2024 में आम चुनाव में आप जाएंगे तो क्या हैट्रिक मारने में भाजपा कामयाब होगी? निश्चित रूप से होगी जी। आज आप देखिए, मैं थोड़ा और खुल के बता दूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां में है, हम संगठन की दृष्टि से भी मजबूत हैं। आपसे मैं पूछता हूं, विपक्ष का नेता कौन? तो आप भी नहीं बता सकते, अभी भी आप 3-4 नाम बताएंगे, तो अभी वो विपक्ष के जो दल हैं वो विपक्ष का नेता कौन, उस प्रक्रिया से ही बाहर नहीं निकले हैं। हम तो संगठन की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए, हमारी जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की जो नीतियाँ हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके सहारे 2024 कश्मीर में जिस तरह से विकास और गुड गवर्नेंस की चीज़ें आगे बढ़ी है, मैं भी ये चाहता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से भी पिछले सालों में या पिछले साल में करीब 9 करोड़ के आसपास का टूरिस्ट यहाँ आया है, तो ये एक अच्छे शुभ संकेत है कि यहाँ की इकोनॉमी भी सुधरेगी और विकास के रास्ते पे जम्मू कश्मीर भी तेजी से आगे बढ़ेगा।